बीजेपी कहता था कि हार की हार उचाना बराबर कर देगा। आज मैं कह के जा रहा हूँ, देख के आया हूँ सब गवर्नमेंट ने, घोगड़िया भी देखा और कल परसों फिर उचाना हल्का लगाऊंगा। यूं बीच से घूम जाऊंगा, मैं आपसे बता रहा हूँ उचाना हल्का से भी जीत के निकलेंगे। चौधरी देवीलाल का इलाका, सर छोटू राम का इलाका, अरे उसकी जेब भी ठेकेदारी करे, बताओ क्या असम हो रहा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 100% आ रहा है, मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, 1 लाख से तो खाली उससे कोसली से आ रहा है और 7,000 से रोहतक से आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसा कैंडिडेट है, अगर ऐसा पड़ जाए तो दिन में ताले टूटने शुरू हो जाएंगे। हेलो, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के वर्कर्स का भी धन्यवाद करता हूँ। वो आदमी अहंकार वाले, अंदर ज्ञान तो है ना, कुछ दम तो है ना, उनमें गिरी हुई आत्मा नहीं है कि होगा होगा यार, तो ये हम तब के वो सारे के सारे है ना, उनका मन ऐसे हो रहा है कि कर दो पार। वो कांग्रेस हराने को नहीं, वो कहते एक झूठे आदमी को हरा दो जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर था। जब देवीलाल ने बनाया, आपको याद है एक बार एक सभा में कहा था, जब टीपी बनाए थे, बोला जयप्रकाश खड़ा हो, आप सभा सारे उस सभा में थे, बोले तो गांव में सरपंच बन सकता, बोले ना जी नहीं बन सकता, बोले मैंने सेंटर में तेरे को केंद्र में मंत्री बना दिया ना, ये काम करा भाई, क्यों देवीलाल का नहीं हुआ, क्यों बंसीलाल का नहीं हुआ, ओम प्रकाश जिंदल जी का नहीं हुआ, भजनलाल जी का नहीं हुआ, ये 3 महीने बाद हुड्डा साहब को भी गाड़ी निकालेगा, ये भी देख लीजिए। वोट आपा मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए, वोट आपा जो सड़क की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, वोट आपा भी ने देवा, और वो वोट वो बात काय वास्ते कर सी, जिके की सरकार हो सी, और जिके की सरकार ही को नहीं, जिके रखाई पल्ले ही को नहीं, तिने वोट दे रखाई करो दे भाई, पाखड़ी गाय ने तो पाखड़ी भैंस ने चाटो दे तो कहीं बट्टी कहीं मिलो कहीं कौन बटे दूध तो स्वाड़ी दे दो, बाकी थे समझदार हो, बाकी भयान बने सगड़ा ने राम राम हाथ ऊपर कर दो भारत माता की। गांव के दो मंडी साक्षी बसे सर ऊपर से बुजुर्गो लौटा दो, बहुत अच्छी सभा देख के बड़ा बढ़िया लगा, अतिथि जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जय जयरात्रि, जय जयरात्रि, जय जयरात्रि, जिंदाबाद। सभी हलकों में घुमाऊं, आज चुनाव लड़ लिए, लोगों का मूड माहौल समझता हूँ। अमित शाह जी आए थे उस दिन के बाद एकदम परिवर्तन आ रहा है, मैंने कभी 8वें चुनाव में कभी जनता पार्टी का सत्र का देखा तब भी ऐसा नहीं था, हर चेहरा मोदी मोदी बोल रहा है। बीजेपी कहता था कि इस हार की हार उचाना बराबर कर देगा, आज मैं कह के जा रहा हूँ, देख के आया हूँ सब गवर्नमेंट ने, घोगड़िया भी देखा और कल परसों फिर उचाना हल्का लगाऊंगा। यूं बीच से घूम जाऊंगा, मैं आपसे बता रहा हूँ उचाना हल्का से भी जीत के निकलेंगे। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि मोदी जी एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं अब के हम, जो अकेले देश नहीं चलाएंगे, दुनिया को भी साथ लेकर चलेंगे, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री। इतना बड़ा हिंदुस्तान का रुतबा बनेगा कि पहले कहते थे कि अमेरिका बोलता है, रूस बोलता है तो भारत सुनता है, आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, इस मुकाम पे मोदी ने लिखा। एक ऐसा प्रधानमंत्री बना 2019 में जो बनने के बाद अमरनाथ जाके शिव भगवान के आगे गुफा में बैठ गए, कहे कि मुझे शक्ति दे, जिन लोगों ने मुझे बनाया मैं उनका बना कर, वो ऐसा प्रधानमंत्री काम है, इसे तो भगवान के बराबर समझ आते हैं। जिस आदमी ने पूरे समर्पित जीवन में सब कुछ हमारे और आपके लिए करके जाना, ऐसा प्रधानमंत्री काम मिलेगा। मैं सभी से कहूँगा, 2 दिन बाकी है, 2 दिन में माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है, अब तो ये है कि कोई किसी को जाके टोक ले वही तैयार बैठा है, अब ये हमारी हिम्मत होनी चाहिए, हम थोड़ा सा अगर मोदी साहब के प्रति हमारे मन में कुछ थोड़ा सा भी लगाव है, मैं 2 महीने से मैं मेरा परिवार बच्चे भी मेरी पत्नी भी पोते भी पोता भी सारे घूम रहे, तो हमने परवाह नहीं करी, धूप क्या चीज है भाई, 47-48 टेम्परेचर में 2 दिन देश के लिए लगा दो,
हर आदमी ये जाके करेगा, सब सबका रहेगा। एक बार तो सब जाके मोदी का वोट, इतना रिकॉर्ड वोट पड़े। देखो चुनाव बहुत हुए, ये भी तय है कि 543 जितनी सीटें उस पर हार जीत भी होगी, कोई 20 वोट से जीतेगा, कोई 1000 से, कोई 50,000 से, कोई 2,00,000 से, और कोई 5,00,000 से भी जीतेगा। पर अब के एक रिकॉर्ड बना दो कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये रहे कि एक चुनाव ऐसा हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी ने जिसमें रिकॉर्ड बन के आज तक कोई तोड़ दे सकता, जैसे सचिन तेंदुलकर विराट कोहली ने रिकॉर्ड बना दिया अपने मैच में। तो पॉलिटिकली मैदान में दिया, मैं मोदी साहब का रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब भाई हम सब सोच ले, कोई मुश्किल नहीं, मैं हर आदमी जितने यहाँ बैठे अगर मैं ईमानदारी से मोदी साहब को बनाना चाह रहे तो हर घर इस बात की ठेकेदारी ले कि मेरे घर में 5 वोट है, 5 के मात्र चलेंगे। और दूसरा ये सोच ले कि मैं 7 के 7 डलूंगा तो बीच में ना मेरी जरूरत है, ना आपकी जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं, तुम सारी बाजी पलट दोगे, एक तरफा हो जाएगा। मैं क्योंकि अभी एक बाल समंद आदपुर हल्के में गाँव है, एक खारिया गाँव है, 10 बजे के बाद माइक बंद हो जाता है। वो सब ये कह रहे हैं कि अभी पहुंचो, रात को 10,000 वोट का गांव है, पूरा एक तरफा हो रहा है ये। और भाई वो जाटों का गांव है, सारा ही पलट रहा है। मैं तुम्हें समझाया करता हूँ कि सारे देश बदल गया, तुम भी बदल जाओ, तुम क्यों उल्टे हो रहे? बताओ चौधरी देवीलाल का इलाका, सर छोटू राम का इलाका, अरविंद की जेब भी ठेकेदारी करे, बताओ क्या असंभव हो रहा है? तो सबको जब कहता हूँ तो फिर समझ में आती है भाई, सारे टूट रहे हैं, एक तरफा इलेक्शन है। अब तो 36 जाति एक तरफी होगी, देश एक तरफा होगा। और ये लिख रहे ना, रिकॉर्ड बढ़ेगा, अचंभा नहीं होगा कि राहुल गांधी भी हार जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 100% हार है, मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, 1,00,000 से तो खाली उससे कोसली से हार है, और 60,000 से रोहतक से हार है। इसके बाद बहादुरगढ़ भी आ रहा है, तो बताओ कहाँ बचेगा? ऐसे हालात बन गए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, एक ऐसा कैंडिडेट है, अगर ऐसा बढ़ जाए तो दिन में ताले टूटने शुरू हो जाएंगे। हेलो, अच्छे आदमी को बनाओ, क्या ना रहे हो, ठीक आदमी को बनाओ ताकि देश का प्रधानमंत्री बने। और भाई रंजीत सिंह का फूल, जो मेरी छवि ठीक ठाक है तो मेरी गलतियों का आप जब बटन दबाने जाओ तो एक सामने चौदह कैंडिडेट है, जब रंजीत सिंह के सामने बटन कमल के फूल के दबाओगे तो मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सोच के बटन। और भाई आपको एक वायदा करके जाता हूँ, लोग तो 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में मिलते होंगे, मैं हर सोमवार को इशार मिलूंगा, रेस्ट हाउस में कोई आ रही हर आदमी का काम करूंगा, कोई बिरादरी नहीं देखा, कोई उसकी जात नहीं देखूंगा, कोई पार्टी नहीं देखूंगा, मैं केवल ये देखूंगा कि उचाड़ा के लोग हैं, सारे काम करूंगा। मैं फिर अत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, चक्कर तो मेरे को बहुत बड़ा कटवाया, मुझे बाल समझ आना था पर इनका हुक्म टाट नहीं सकता था, बड़ी आदमी है, अच्छे आदमी है, और पूरी टीम ने भी गजब का जोर दिला जी पूरा। और मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के वर्कर्स का भी धन्यवाद करता हूँ, वो आदमी अहंकार वाले, कठंदर ज्ञान तो है ना, को दम तो है ना, उनमें गिरी हुई आत्मा नहीं है कि होगा होगा यार, तो हम तब के वो सारे के सारे है ना, उनका मन ऐसे हो रहा है कि कर दो पार। वो कांग्रेस हराने को नहीं, वो कहते हैं झूठे आदमी को हरा दो जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर था। तो ऐसे आदमी को यार मेरी बात सुन लेना, 2 मिनट रुक जा, सांस ले ले। मैं आपसे एक बता रहा हूँ कि ऐसा काम कर दो कि दोबारा जेपी चुनाव लड़ने की तो 3 तलाक काटे के बाद में चुनाव ले। ये जो देवीलाल ने बनाए, आपको याद है एक बार एक सभा में कहा था, जब पीपी विनायक थे, बोले जयप्रकाश खड़ा हो, आप सभा सारे उस सभा में थे, बोले तो गांव में सरपंच बन सकता, बोले नाहर जी नहीं बन सकता, बोले मैंने सेंटर में तेरे को केंद्र में मंत्री बना दिया ना, ये काम कराना भाई, क्यों देवीलाल का नहीं हुआ, क्यों बंसीलाल का नहीं हुआ, ओम प्रकाश जिंदल जी का नहीं हुआ, भजनलाल जी का नहीं हुआ, ये 3 महीने बाद हुड्डा साहब को भी गाड़ी में चढ़ेगा, ये भी देख लीजिए। अब ज्यादा नहीं कह के आपका धन्यवाद करता हूँ,
मुझे आगे बाल समिति का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। एक मिनट जैसे थे बैठ जाओ। एक हमारे जयपुर से आ रहे अशोक बिश्नोई जी, उन्होंने पूरे राजस्थान में बीजेपी को जिताने के लिए तहलका मचा रखा था। मैं उन्हें कहूंगा जरा एक मिनट आपसे बात करें। अशोक बिश्नोई जी आ जाए। भारत माता की, भारत माता की, लाला आवाज को नारी समझ में आ रही भाषा, कोई दिक्कत थोड़ी है। भारत माता की आवाज आनी चाहिए। देखो भारत माता की मंच पर विराजमान सभी नेतागण ने सामने विराजमान हमारा पिता तुल्य बुजुर्ग और माता हो बहनों और हमारा भाई हो तो ये तो इंतजार करे होती रात ने तो बहुत बहुत आभार। तो चुनाव है वो हमारे कहने की अगर जो एक साव है 25 तारीख में तो थाने निमंत्रण देना आया हमें कि साव में थाने पधारना है और सगड़ा भैया ने बुलाना है जिम्मन खातर और 25 तारीख ने वोट देना है थाने। तो हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके भरोसा दिलाओ कि चौधरी साहब के हाथ मजबूत करोगे। ये वोट मोदी जी को जाएगा। किसका चुनाव है? ये मोदी जी का चुनाव है। मारे कि राजस्थान में कहावत है कि वोट आपा मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए। वोट आपा जिनको सड़क की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, वोट आपा बिना देवा और वो वोट वो बात कायम वास्ते कर सी जिके की सरकार हो सी और जिके की सरकार ही को नहीं जिके रखाई पल्ले ही को नहीं बिना वोट दे रखाई करो थे भाई पाखड़ी गाय ने तो पाखड़ी भैंस ने चाटो दे तो कहीं बट्टी कहीं नहीं रहो कहीं कौन बटे तू तो स्वाड़ी दे दो वहां बाकी थे समझदार हो बाकी भयान था ना सगड़ा ने राम राम हाथ ऊपर कर दो भारत माता की।